एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फूड ब्लॉगिंग वर्ल्ड। तो आज हम मैगी का न्यू फ्लेवर ट्राई करने वाले हैं, स्पाइसी मंचूरियन, और देखते हैं कि कैसा बनता है। इसमें थोड़ा सा रेसिपी में अपना ट्विस्ट डालेंगे, तो पूरी वीडियो एंड तक देखना बिकॉज ये रेसिपी बहुत ज़्यादा डिलिशियस थी। तो इसके अंदर मैंने वेजिटेबल्स लिए हैं, ब्रोकली एंड मशरूम, जिसका कॉम्बिनेशन इसमें बहुत अच्छा लग रहा था। आप अपनी चॉइस की वेजिटेबल्स भी ले सकते हो। इसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था और साथ में मैंने लिया था गार्लिक। गार्लिक को आपने फाइनली चॉप करना है। गार्लिक इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप कोई भी वेजिटेबल्स लो लेकिन गार्लिक ज़रूर लीजिएगा। तो यहाँ पे मेरी अब सारी वेजिटेबल्स चॉप हो चुकी है, मशरूम, ब्रोकली एंड गार्लिक। तो अब हमने क्या करना है, हम मैगी लेंगे और इसको हम पानी में करेंगे बॉयल, और साथ ही हम वेजिटेबल्स को भी बॉयल कर लेंगे मैगी के साथ ही। मैंने इसमें ब्रोकली और मशरूम्स को डाल दिया बॉयल करने के लिए, और अब जितना भी एक्सेस वाटर था जब मेरी मैगी एंड वेजिटेबल्स बॉयल हो गए, मैंने एक्सेस वाटर ड्रेन आउट कर लिया। थोड़ी सी वेजिटेबल्स मैंने यहाँ पे क्रिस्पी रखी हैं, ज़्यादा उसको मैंने ओवर कुक नहीं करा है। अब हम तैयार करेंगे तड़का। तड़का बहुत यूनिक है इसका। थोड़े से ऑयल के अंदर आप अपना गार्लिक डाल लीजिए और उसके बाद डाल लीजिए सेजवान सॉस। और मैंने यहाँ पे मैगी का एक ही मसाला पैकेट यूज़ करा है, दो मैगी डाल लीजिए लेकिन मसाला एक यूज़ करा है, बिकॉज स्पाइसी था ज़्यादा। एंड आप क्या करिए, जो आपकी मैगी एंड वेजिटेबल्स बॉयल थी उसमें तड़का लगा दीजिए और अच्छे से सो कर दीजिए मिक्स, ताकि सारा मसाला आपकी मैगी एंड वेजिटेबल्स में कोट हो जाए। बस आपकी स्पाइसी मंचूरियन मैगी बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनी थी, प्लीज़ ट्राई इट आउट, इट्स रियली यम।